इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र जी जैन बाहुबली भैया। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें पुरुषार्थी बनना चाहिए, हमें दर्शनार्थी नहीं बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में आपको अपने भविष्य को जानने की इच्छा होती है। हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है कि मेरा भविष्य क्या है। तो नीतिकार कहते हैं कि भविष्य जानने की अपेक्षा भविष्य बनाने का पुरुषार्थ जरूरी है, ज्यादा अच्छा है। आज की नीति में कह रहे हैं कि हमें भविष्य जानने की अपेक्षा भविष्य बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भविष्य बताने वाला कितना सही है ये अपन नहीं जानते, लेकिन भविष्य बनाने वाला हर बार सही होता है। कई लोग हाथों की रेखाओं पर ही विश्वास करते हैं। तो मेरा तो यही सोचना है कि जो हाथ की रेखाएं हैं वो बताती हैं, कराती नहीं हैं। जो आपने पूर्व में किया है बताने वाली हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या होगा वो आपके हाथ में है। रेखाएं क्योंकि बदलती हैं। आपने हाईवे देखा, कई बार हाईवे में जाते हैं तो यूं कट निकलता है, वो आगे जाके फिर मिलता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये हमारे अंतरंग की है, हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। तो हमें भविष्य बनाने पर विचार करना चाहिए, भविष्य जानने पर नहीं। कभी भी ध्यान रखना, अपना हाथ किसी को मत दिखाना। कुछ भी हुआ कि नहीं, आपने कहा हाथ देख लो भैया, हाथ देखना भैया, और उसने 10 में से एक बात गलत बता दी, बस आउट, आपका दिमाग आउट। और वो जो 9 चीजें अच्छी थी वो आपकी रह जाएंगी, आप एक बुरे में लग जाओगे। उसमें लिखा है कि आपके व्यापार में बड़ी हानि होने की संभावना है। अब आपने सब कुछ छोड़ करके बड़ी हानि होने की संभावना है। आपने एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स ले आए हो, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स लाए वो गए। हमारा एक मित्र था, वो साथ में ही हम लोग पढ़ते थे, तो हमने उससे कहा कुछ कर भविष्य के लिए कुछ कर। बोले नहीं, मेरे एक मामा है वो ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा है 27 साल की उम्र के बाद तुम्हारा राजयोग आएगा। मैंने कहा ठीक है। वो अच्छा डांसर था, अच्छा कलाकार था। ये बात 22 वर्ष की उम्र की ये बात है। 23 में हमको वैराग हुआ, 25 में हमारी दीक्षा हो गई। 27 वर्ष की उम्र में हम पुनः वहीं पहुंचे जहां हम जन्म लिए थे। वो मेरे दर्शन करने आया, वैसे ही कपड़े, वही पुरानी सी गाड़ी, वही पुराना सा चेहरा लेकर के। मैंने क्या पूछा, 27 में तुम्हारा राजयोग था? अरे बोले कुछ आया ही नहीं। मैं, तुमने किया क्या? बोले मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तब से घर पर ही हूं। पढ़ाई? बोले नॉर्मल चल रही। ये राजयोग आएगा कैसे? राजयोग रेखाओं से नहीं आएगा, राजयोग करने से आएगा। देखो अच्छा, आप सब अपना हाथ ऐसा करो करो करो, और अपनी रेखाओं को देखो एक बार। उन रेखाओं के ऊपर अंगुलियां हैं, है ये प्रकृति कह रही है आपसे, नेचर कह रहा है आपसे। जो हाथ की रेखाएं हैं वो तभी सफल होंगी जब आप पुरुषार्थ करेंगे। अंगुलियां सिखाती है मेहनत करना। पुण्य तो हाथ में है, क्यों ना अपन मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत अगर रूठ जाए उसको मनाने का एक उपाय है, वो है मेहनत। इसलिए मेकिंग फ्यूचर एंड प्रिडिक्शन फ्यूचर, ये दो अलग अलग चीजें, इनको एक साथ मत जोड़ लेना। मेकिंग फ्यूचर एंड प्रिडिक्शन फ्यूचर, एक होता है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या होगा। आप ध्यान रखना कि
इफ यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर देन यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ. अब अपने आप को बहुत लिमिटेड कर देते हो. जब अपन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं अपने आप को अपन बहुत लिमिटेड कर सकते हैं, कर देते हैं. इफ यू आर मेकिंग योर फ्यूचर देन यू आर ब्रेकिंग ऑल द लिमिट्स. अपन अपने फ्यूचर के लिए ये लिमिट्स को तोड़ना है तो हमको फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं, फ्यूचर का मैनेजमेंट करना है. भविष्य को बनाएं कैसे, बात ये है. जानने से नहीं होगा, करने से होगा. और जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा करने का, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. इसलिए नेवर प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, इट विल मेक अ लिमिट फॉर यू. ऑलवेज डू समथिंग न्यू, इट विल ब्रेक ऑल द लिमिट्स. आप अगर चाहते हैं सारी हदों को तोड़ना, पुरुषार्थ कीजिए. एक बात मैंने लिखी थी कि ज्यादा सोचने के कारण कई बार अपन खेले ही नहीं. ज्यादा सोचने के कारण कई बार अपन खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल भी पैदा नहीं होता. एक बार आप उतरो तो मैदान में, लोग हमसे पूछते महाराज जी हमारा हाथ देख करके बताइए कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा. मैं कहता हूं भैया हाथ में व्यापार नहीं है, व्यापार बुद्धि में है. ऐसे बड़े बड़े और भी बहुत सारे व्यापारी हैं जो शायद कोई व्यापार भारत का हो जो ना करते हो, सही है. ऐसे कई बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे बड़े बड़े व्यापार करते हैं, चाहे रिलायंस हो, अंबानी हो, अडानी, कोई भी हो, और भी बहुत लोग. उन्होंने किसको हाथ दिखाया? मैं आपको बताऊं कौन सा व्यापार करना चाहिए, जिसमें पैसा कमाओ. जिसमें पैसा कमाओ सब व्यापार करना चाहिए. ये क्यों सोचे कपड़े वाले को भी चाहिए अगर कोई जमीन का कोई सौदा हो रहा है तो हाथ डाले, जमीन वाले को भी चाहिए कोई फैक्ट्री बिक रही तो हाथ डाले. ये ना सोचें कि कौन सा व्यापार हमारे लिए अच्छा है, ये सोचें हम क्या कर सकते हैं. आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने भविष्य जानने की इच्छा रखी, जिंदगी का आनंद खत्म हो जाएगा. फिल्म देखी आप लोगों ने? फिल्म शोले फिल्म कितने लोगों ने देखी है? सभी ने देखी होगी शोले फिल्म, आज का हो चाहे पुराना हो. शोले फिल्म तो सबने देखी होगी. जो पहली बार देखी थी वो जो सिक्का उछला था और अरे ये तो अल्टी पल्टी एक है, उस समय का आनंद. और वो जो बार बार देखी है उसके दोनों के आनंद में अंतर है. अंतर क्यों है? अंतर क्यों है? क्योंकि जान चुके थे. अगर भविष्य के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो जीवन जीने का रोमांच भी खत्म हो जाएगा. इसलिए खिलाड़ी अच्छा होता हो, खिलाड़ी नहीं पूछता गेंदबाज से भैया स्पिन फेंकोगे कि फास्ट, लेग स्पिन की गुगली. खिलाड़ी पूछता नहीं, खिलाड़ी खेलता है. एक पुराना दृष्टांत याद आ रहा है कि शेन वॉन अपने समय का बहुत बड़ा लेग स्पिनर था, लेकिन उसने अपने कमेंट कहा था, एक बात कही थी उसने कि मुझे सपने में भी सचिन ने धोया है, मुझे सपने में भी सचिन ने सूटा है. ये समझ रहे बात क्या कह रहा हूं? खिलाड़ी वो होता है ये नहीं देखता सामने वाला क्या खेल दिखा रहा है, वो अपने खेल पर विश्वास रखता है. और बड़ी बड़ी इमारतें धीरे धीरे बनती हैं. ज्यादा भविष्य के चक्कर में ना भागें. अगर आप कोई व्यापार प्रारंभ कर चुके हैं अथवा करने वाले हैं, 1111 ये रूल याद रखना है, 11-11 का, 11-11 का रूल याद रखना. मैनेजमेंट कहता है कि 1111 दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए. 14 दिन लगते हैं एक मकान की सेंटिंग को निकालने के लिए, मिनिमम 14 दिन तो लगते हैं. पकने दो, ऐसे ही थोड़ा पकने तो दो, अपने पुरुषार्थ को पकने दो, और आप जितना करेंगे उतना बढ़ेंगे. करो, आप आज से पुरुषार्थ प्रारंभ करो. अगर किसी को भीलवाड़ा में व्यापार करना है
मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिना पैसे का भी व्यापार है, आप कपड़े का व्यापार करो, आप जमीन का व्यापार करो। ये भीलवाड़ा का पूरा जिला खनिज की मंडी है, जमीन से ऐसी चीजें निकलती हैं। आप एक बार विचार तो करो, करोगे तो बढ़ोगे, और जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। बट फ्यूचर प्रेडिक्शन मौसम व्यवहार विभाग की तरह आप अपने जीवन को बना के रखे हो। आज पानी गिरेगा तो रेनकोट ले जाता हूँ, आप रेनकोट लेके चलो, पानी का क्या भरोसा। मौसम विभाग पर जो लोग आधारित हो जाते हैं ना, वो तरक्की नहीं कर पाते। कई बार हमने देखा, महाराज देखते हैं पूछते हैं कि भैया पानी कब गिर रहा है, केस लॉन्च करना है। अरे तुम विश्वास रखो, जिस दिन तुम केस लॉन्च करोगे उस दिन पानी गिरेगा। आप पुरुषार्थ तो करो, दिशा तो सही पकड़ो। चलना है नहीं और जीतना है तो कैसे जीतेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि राजयोग हाथों में नहीं, हाथों में है। समझे क्या? राजयोग हाथों की लकीरों में नहीं, हमारे हाथों में है। इसलिए पुरुषार्थ करें, भविष्य को ना देखें। एक पैर को बचपन से एक पैर में रखने जीने वाली एक लेडी महिला हिमालय की चोटी पर चढ़ी थी, जो बचपन से जिसको पोलियो था, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाई थी दौड़ के। जिसके घर में कुछ नहीं था, गांव में बहुत बड़ा खेत था, वो केवल एक भाला यहां से वहां फेंक करके गोल्ड मेडल लेकर के आया था। सर्च करो, दुनिया है, ढूंढो। पुरुषार्थ से बढ़ के कुछ नहीं। अपन पुरुषार्थ करें, किस्मत तो उसकी दासी है। आप सभी फ्यूचर प्रेडिक्शन की जगह फ्यूचर के निर्माण की अगर और बढ़ेंगे तो निश्चित आप बड़े तरक्की को प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थी बने, दर्शनार्थी ना बने। खेल देखना नहीं, खेल खेलना भी सीखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया।